फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल हम लोग ने पढ़ा था, तो आज हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या, जैसे कि सबसे पहले फसलों को में क्या उगाया जाता था, गेहूं, जौ, कौन से पशु को पाला जाता था, पालतू जानवर कौन थे, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये सब था। पांडुलिपि किसे कहते हैं, और कल हम लोग ने ये भी बात किया था जैसे गंगा और उसके सहायक नदी। तो क्या आप लोगों ने ढूंढा, जाना क्या होता है? तो आज इसका हम लोग ट्रिक के बेसिस पे याद कर लेंगे कि गंगा और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं। तो आज कल से आगे इसी चैप्टर और आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के चैप्टर का सबसे पहला अभिलेख किसे कहते हैं, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर वो आकृत किए जाते हैं, इसे अभिलेख कहते हैं। और इसमें ना बुक में एक फिगर बना हुआ था, फिगर में ऐसा लिखा हुआ था कि लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, और जो इसका अध्ययन करते हैं उसके पुरातत्व विद कहलाता है। और ये क्या करते हैं, ये किसी के जानवर या चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं, और उसे जानने में उनकी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, जैसे हम लोग पहले ऐसे पढ़ते हैं तिथि, तिथि को कैसे जाना जाता है, तिथियों का मतलब, जैसे 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। मीन्स ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईस्वी पूर्व, मतलब ईसा से पहले, और इसी को अंग्रेजी में BC कहते हैं। तो ये हम लोग का चैप्टर 1 जो है, कब, कहाँ, कैसे, मीन्स हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर ख़त्म होता है। और लास्ट में ट्रिक कि गंगा और सहायक नदी, तो ट्रिक में लिखना होगा आप लोगों को, यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती। आइए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ ट्रिक है, यमुना और गोमती घाघरा पहनकर सोन को कर्म राग सिखाती है। जैसे यमुना से यमुना हो गया, गोमती तो गोमती, घाघरा घाघरा, सोन से सोन, और जैसे कर्म से कर्मनाश, राम से राम गंगा गण, तो ये सब ट्रिक है और ये आ भी सकता है, प्री के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल नेक्स्ट चैप्टर होगा, अभी तो हिस्ट्री था, अब ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर, तो वैसे ही ये आगे बढ़ता रहेगा। थैंक यू।